Hello, dear children. Welcome to the evs class. I hope you all are good at home and taking all the safety precautions. Now, continuing with the lesson, we were doing lesson number two, parts of my body. In this lesson, we learned about different body parts we learnt about our five sense organs and then we learnt about the functions of those sense organs so what all have we done i will just revise the lesson and then we will start the exercises today हम लेसन नंबर टू पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ माय बॉडी मतलब हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा हमने अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा उन पार्ट्स में से जो फाइव स्पेशल पार्ट्स हैं जिनको कि हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं उनके बारे में पढ़ा और बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शन होते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स के फंक्शन होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा एज आई टोल्ड यू वाइल टीचिंग द लेसन दैट ऑल द बॉडी पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑल द बॉडी पार्ट्स हैव वेरी यूनिक फंक्शन हर एक बॉडी पार्ट का फंक्शन अलग अलग होता है सारे बॉडी पार्ट्स अपने अलग अलग फंक्शन करते हैं कोई भी बॉडी का पार्ट दूसरे पार्ट का फंक्शन नहीं कर सकता है ओके सो इन दिस पिक्चर वी सो द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट सम ऑफ द पार्ट्स आर आउटसाइड आवर बॉडी दे आर नोन एज external body parts and they can be seen by us जैसे मैंने बताया कि कुछ body parts हमारी body के बाहर होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं उन्हें external organs या external body parts कहते हैं and there are lot of body parts lot of organs which are

वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं लाइक आवर हार्ट आवर लंग्स आवर ब्रेन लिवर एंड देर आर मेनी मोर पार्ट्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी एंड विच परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर आवर बॉडी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली

जैसे मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और अगर एक पार्ट भी ठीक से वर्क नहीं करता है तो क्या होता है मशीन ठीक से नहीं काम करती है सिमिलरली आवर बॉडी इज ऑल्सो लाइक अ मशीन देर आर सो मैनी पार्ट्स इफ इवन अ स्मॉल पार्ट देर आर वेरी स्मॉल पार्ट्स ऑल्सो इनसाइड आवर बॉडी इवन इफ अ स्मॉल पार्ट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली आवर बॉडी विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली ओके कोई भी पार्ट अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी ओके नाउ देन वी लर्न द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय हैंड्स एंड एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय लेग What are the activities which can be performed by hands? Like pull, hold, write, clap, eat, catch. These are some of the activities which are performed by hands. Then the activities like walk, run, stand, dance, jump, kick.

जिनको करते टाइम हमारे हाथ और पैर दोनों यूज होते हैं लाइक स्विमिंग साइकिलिंग, ओके जिमनास्टिक। दीज आर द एक्टिविटीज इन विच आवर हैंड एंड लेग्स बोथ आर यूज साइमल्टेनियसली देन वी लर्न अबाउट फाइव सेंस ऑर्गन्स Okay, what are the five sense organs? They are our eyes, ears, nose, tongue, and skin. The five senses are sense of sight, sense of hearing, sense of smelling, sense of tasting, and sense of feeling. These

हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड हमारे आस पास क्या क्या है वो देखने में आइज हेल्प करती हैं विद द हेल्प ऑफ आवर आईज वी कैन सी आवर सराउंडिंग वी कैन सी द ब्यूटिफुल प्लांट्स फ्लावर्स बर्ड्स ट्रीज यू कैन सी योर फ्रेंड्स योर पेरेंट्स यू सी मूवीज़ यू सी योर फेवरेट कार्टून चैनल मैं वॉट एवर इज़ देयर अराउंडस वर्ल्ड में हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं हम कैसे देखते हैं हमारी आई से देखते हैं ये दे हेल्प अस टू हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड साउंड ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वी हेयर सॉन्ग्स वी हेयर राइम्स वी टॉक टू ईच अदर उनकी हम बातें सुनते हैं व्हेन पेरेंट्स से समथिंग कोई भी कुछ बोलता है सो वी हीयर विथ आवर ईयर्स डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड अराउंड साउंड ऑफ चॉपिंग बर्ड्स ओके बारिश हो रही है बारिश की आवाज़ है किसी भी चीज़ की आवाज़ है आप कैसे सुनते हो हम ईयर से सुनते हैं देन आवर नोज इट हेल्प्स एस टू स्मेल गुड स्मेल एज वेल एज बैड स्मेल गुड स्मेल दैट इज फ्रेगरेंस इज फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर फ्रेगरेंस ऑफ परफ्यूम फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंसटेक जो अच्छी स्मेल होती है घर में कुछ अच्छा कुक हो रहा है उसकी स्मेल और वी ऑल्सो स्मेल फाउल स्मेल इससे बैड स्मेल होती है वो भी हम नाक से स्मेल करते हैं सो आवर नोस हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स अराउंड अस जो भी कोई भी स्मेल होती है वो हम नाक से सूंघते हैं देन आवर टांग इट हेल्प्स अस टू टेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इट हेल्प्स अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेस्ट हम कुछ खाते हैं मीठा है वेदर इट इज स्वीट सार बिटर सॉल्टी कैसा उसका टेस्ट है मीठा है तीखा है कि खट्टा है कि नमकीन है ये सब हमें कैसे पता चलता है हमारी टंग से पता चलता है एंड आवर टंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक हम टंग की हेल्प से ही बोलते हैं

किसी चीज़ को हम टच करते हैं उसका सरफेस कैसा है रफ़ है स्मूथ है वी कैन टेल सो अस स्किन हेल्प अस टू टच एंड फील डिफरेंट थिंग्स सो दीज आर आवर फाइव सेंस ऑर्गन्स एंड दे हेल्प अस टू नो एंड फील द वर्ल्ड अराउंड अस हमारे आसपास की जो दुनिया है उसको जानने में और उसको महसूस करने में जो फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमारी हेल्प करते हैं ओके नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस टुडे डिड यू नो मैंने बताया था कि स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ अवर बॉडी एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर सॉफ्ट इनर पार्ट्स and it is the largest sense organ of our body जैसे मैंने बताया था skin जो है वो हमारी body की बाहर की covering है okay वो हमारे जो inner parts होते internal body organs specially जो थोड़े delicate बहुत soft होते हैं उनको protect करती है and it is the largest skin organ skin पूरी body को cover करती है

हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है एक खास काम करता है जो कि उसका फंक्शन कहलाता है उसका काम ओके एंड सेंस ऑर्गेंस आइज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन दे हेल्प अस टू सेंस थिंग्स अराउंड अस दस दे आर कॉल्ड सेंस ऑर्गेंस सेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना ठीक है किसी चीज़ को महसूस करना फील करना आइज से हम देखते हैं देख करके के हम महसूस करते हैं कि देखने में कितना सुंदर है दिस लार इज़ सो ब्यूटिफुल आई सॉ अ मूवी टुडे वेरी नाइस मूवी कैसे पता चला देख करके के आपने, हमको कुछ फीलिंग होती है कोई सीन हमने देखा मूवी में यू फेल्ट वेरी बैड हमको बहुत दुख हुआ कि ऐसा क्यों हुआ एट टाइम्स इट सो हैपन्स कि फिल्म देखते देखते हमको रोना भी आ जाता है कोई सीन देखते देखते ऐसा क्यों होता है बिकॉज वी कैन फील हम महसूस कर सकते हैं ठीक है ना तो सेंस मतलब फीलिंग जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं आइस से हमने देखा कान से सुना सॉन्ग सुना कोई फॉर एग्जाम्पल यू हेयर अ सॉन्ग से वाह सच अ वंडरफुल सॉन्ग कितनी अच्छी म्यूजिक थी तो यू कैन फील द ब्यूटी ऑफ दैट सॉन्ग ओके स्मेल वेरी गुड स्मेल बहुत अच्छी सी स्मेल इस फ्लावर की कितनी अच्छी स्मेल है रोज़ की स्मेल कितनी अच्छी होती है सो यू कैन फील तो सेंस मतलब फीलिंग तो जो ऑल दीज फाइव सेंस ऑर्गन्स दैट इज आइज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन दे हेल्प अस टू सेंस थिंग्स ये चीज़ों को हमें महसूस करने हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनको हमें फील करने में हेल्प करते हैं दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स ओके now what are the things to remember that means for all should you remember in this lesson our body has many parts हमारी body में बहुत सारे parts होते हैं they have different names and different functions उनके अलग-अलग नाम हैं और अलग-अलग function हैं we use them to do different activities उनको हम दूसरे activities करने में दूसरे काम करने में उनको हम use करते हैं एंड वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन देर एंड टंगा वो क्या क्या है नोज है एंड टंग नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज चिल्ड्रेन द फर्स्ट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑल द क्वेश्चन थ्री ऑप्शन

डैश सेंस ऑर्गन्स थ्री फाइव फोर जस्ट नाउ आई रिवाइज एंटायर लेसन हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स सो वी विल पुट अ टिकन फाइव देन वी फील विथ आवर स्किन टंग नोस कैसे हम फील करते हैं वी फील विथ आवर स्किन so we put a tick on skin then the uppermost part of our body is leg head chest the uppermost part of our body uppermost matlab sabse uncha तो हमारी body का सबसे ऊंचा part कौन सा है? मतलब सबसे ऊपर क्या part आता है leg head और chest ड इज द अपर मोस्ट सब सुपर हेड है और सबसे नीचे क्या है फीट है सो वी पोट अटेक ऑन हेड ओके राइट द करेक्ट नंबर बिसाइड बॉक्सेस दैट मीन्स इन आवर बॉडी देयर आर सम पार्ट विच आर मोर देन वन इन नंबर कुछ हमारी बॉडी पार्ट्स हैं जो कि वन से ज़्यादा होते हैं सो यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ दो पार्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर जस्ट वन देर आर वेरी फ्यू पार्ट्स विच आर मोर देन वन लाइक आर ईयर्स आर आईज हैंड्स लेग्स फिंगर्स नीज एल्बो Lungs, okay. So, you have to write the correct number beside those beside the box, correct number of these body parts in the box. Our body has nose, how many nose? We have one nose, so we write here one toes. जो पैर के फिंगर्स होते दे आर नोन एज टोज सो दे आर टेन फाइव इन ईच टंग हाउ मेनी टंग डू हैव यू ऑल नो दैट वी हैव ओनली वन टंग हाउ मेनी आर्म्स वी हैव टू आर्म्स हाउ मेनी फिंगर्स लाइक टोज वी हैव टेन फिंगर्स five in both hand so ten fingers how many eyes we have two eyes how many elbows again we have two elbows one in each arm so we write here two and how many ankles again we have two ankles one in each feet okay now, next is complete the flow chart. Flow chart means body parts are given and their functions are given. You have to complete the function. Okay. Now, what are the functions of hand like pull? देन वॉट ऑल कैन बी डू विथ द हेल्प ऑफ आवर हैंड हम अपने हाथ से क्या क्या फंक्शंस कर, कर सकते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं वी कैन पुल वी कैन होल्ड एच ओ एल डी होल्ड देन वी कैन राइट वी कैन क्लैप ओके वी कैन Eat, we can see a t c h, we can w r i t right Okay, so these are some of the activities which we can perform with the help of our hands pull, hold, write, clap, eat catch Now next is sense organs what are the different sense organs and what is their function So sense organs eyes and what is the function of eyes we see with our eyes next sense organ is ear e a r with the help of our ear, we hear. Then tongue. The function of tongue is taste. T A S T E. Taste. Then our skin. S-K-I-N. and Skin. We feel. And then N O S. -t -e. E nose. With the help of, of our nose, we smell. S M E double L smell. Okay. So these are the five sense organs. That is eyes, ear, tongue, skin, and nose. With our eyes, we see. With our ear, we hear. With our tongue, we taste. With our skin. वी फील एंड विथआवर नोज वी स्मेल आईज से हम देखते हैं ईयर से हम सुनते हैं टंग से हम टेस्ट करते हैं स्किन से हम महसूस करते हैं और नोज से हम स्मैल करते हैं ओके नेक्स्ट इज लेबल द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स ओके लेबल द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स दैट मीन्स You have to write the name of these body parts. Okay? Name of these body parts. We will start from the uppermost part. What is the uppermost part? The uppermost part is H E -A, A D, head. द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज हेड देन नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट एस एम ओ यू टी एच माउथ मुंह जिसको हिंदी में कहते हैं देन व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट इज एफ आई एन जी ई आ फिंगर उंगलियाँ हाउ मेनी फिंगर्स डू वी हैव वी हैव टेन फिंगर्स दैट इज फाइव इन बोथ हैंड्स नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज के एन ई नी मतलब हिंदी में नी को क्या बोलते हैं घुटना वी हैव टू नीज वन इन ईच लेग दिस इज दिस बॉडी पार्ट इज टी एच आई जी एच थाई जिसको हिंदी में जांग बोलते हैं वेस्ट से नीच तक का जो पार्ट होता है दैट इज द पार्ट फ्रॉम वेस्ट टिल आवर एंकल द एंटायर पार्ट इज नोन एज लेग हमारे वेस्ट से लेकर के दैट मीन द पार्ट फ्रॉम हीयर टिल आवर एंकल दिस होल पार्ट इज आवर लेग ओके दिस इज आवर लेग लेग में

पैर की जो फिंगर्स होती हैं उनको कहते हैं टोज ओके सो दीज आर द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स नॉ नेक्स्ट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी विथ विच यू ओके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल मींस क्वेश्चंस जिनका आंसर डायरेक्टली आपको लेसन में नहीं मिलता है थोड़ा सा आपको सोच करके आंसर करना होगा ओके सो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल द क्वेश्चन आंसर साफ नेम पार्ट ऑफ द बॉडी विथ विच यू बाइट एंड च्यू फूड बाइट माने काटना बॉडी पार्ट जिससे कि आप खाने को काटते हैं एंड च्यू करते हैं किसी भी चीज़ को काटते हैं एंड देन चबाते हैं कुछ भी आप खाते हो तो सबसे पहले किससे हम काटते हैं वी यूज आवर टीथ किससे काटते हैं हम दांत से काटते हैं सो टी डबल ई टी एच टीथ ओके थिंक एंड आंसर एज आई told यू देर आर लॉट ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स विच परफॉर्म वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन सबसे ऊपर हमारे हेड में क्या होता है ब्रेन होता है आप कुछ भी सोचते हो कोई हम काम करते हैं ठीक है थीके? हमारी बॉडी को पूरी बॉडी को का कंट्रोल कहाँ से होता है ब्रेन से होता है व्हाट एवर वी डू व्हाट एवर वी थिंक एवरी थिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन सो द पार्ट विच हेल्प्स अस टू थिंक एंड आंसर इज बी आर A, this is आर A, I, एन brain. Okay? Then breathe air. हवा हम जो सांस लेते हैं जो air को breathe करते हैं वो कहाँ से हम लेते हैं Nose. हम पहले नाक से air को अंदर लेते हैं then it goes into our lungs. ठीक है जो हम सांस लेते हैं वो हम नाक से सांस लेते हैं There are two nostrils. दो साइड में नाक में दोनों साइड में छेद हैं वन इज राइट वन इज़ लेफ्ट वहाँ से हम सांस लेते हैं एंड फिर वो हमारे लंग्स में जाती है तो ब्रीद एयर दिस इज एन ओ एस ई नोस ओके एंड देन पम्प ब्लड कौन सा पार्ट है जो हमारी बॉडी में हर एक बॉडी पार्ट तक ब्लड पहुँचाता है दैट इज एच ई ए आर टी हार्ट हार्ट जो होता है हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड पहुंचता है अगर किसी पार्ट में भी ब्लड नहीं पहुंचता है तो वो पार्ट फंक्शन नहीं करता है ओके सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट ईच बॉडी पार्ट रिसीव्स ब्लड और जो हार्ट होता है वो हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है मतलब ब्लड पहुंचाता है इट इज़ लाइक अ पंप जैसे पंप होता है ना उसको हम बार बार प्रेस करते हैं तो उससे हवा जाती है साइकिल का पंप होता है फुटबॉल में हम पंप करके एयर भरते हैं तो हार्ट इज ऑल्सो लाइक अ पंप विच पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी द नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज क्लोज वेन यू स्लीप आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट बंद रहता है जब आप सोते हो क्लू क्लू मतलब एक हेल्प इट इज वन ऑफ द सेंस ऑर्गेंस क्लू का मतलब होता है एक हेल्प तो कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट बंद रहता है आइज इज़ द ओनली पार्ट विच वी कैन ओपन एंड क्लोज जब हमारी मर्जी होती है हम खोल सकते हैं जब हमारी मर्जी होती है उसको हम बंद कर सकते हैं तो सोते समय जब वैन वी स्लीप इट इज ऑलवेज क्लोज सो द करेक्ट आंसर इज ई YES. Okay. So, children, we have completed this lesson. Lesson number two, that is my body paths. We have completed the exercises also. So, I will stop here today. Thank you, children.